क्या बकवास कर रही हैं आप? इस आदमी ने हमें अलग करने के लिए बहुत कुछ किया है अमृत, इसकी जान ले लो। क्या ये आपको मेरी कसम है? और बताइए कि कौन है ये? मैं नहीं जानता कौन है ये लड़का, लेकिन हाँ इस तस्वीर का मेरे बचपन से जरूर कुछ ताल्लुक है। आप बताइए वीर, कौन है ये? ये मेरे छोटे भाई प्रेम की तस्वीर है। अब बताइए कौन है ये? ये तो मेरे बचपन की तस्वीर है, पर ये तो हम हैं। ये टुकड़े आप दोनों के पास थे ना? हाँ, बचपन से। दोनों में खून का रिश्ता है, आप दोनों सगे भाई हैं। वीर बाबा कहाँ हैं? हवन अब तक शुरू हो जाना चाहिए था। आप शुरू कर दीजिए, भगवान ने हमें दो बेटे दिए, एक हमें छोड़ के चला गया और दूसरा होकर भी नहीं है। यह हवन हम अकेले ही करेंगे, आप शुरू कीजिए। ये एक तस्वीर के दो टुकड़े बहुत कुछ कहते हैं। शायद आपकी माँ भी आपको ये तस्वीर देखकर ये कहना चाह रही थी कि आप उनकी अपनी औलाद नहीं है। बचपन में हमारे और हमारे भाई प्रेम के बीच में छीना झपटी चल रही थी और उसी दौरान ये तस्वीर फट गया और एक हिस्सा हमारे पास रह गया और एक हिस्सा प्रेम के पास। रानी माँ, ये कपड़े। प्रेम मिल गया।
हमारा प्रेम। लगता है आज तुमने कुछ ज्यादा चढ़ा लिए। क्यों? क्यों हमारी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं आप? कम से कम आज के दिन तो हमारा दिल रख लिया होता। हमने कहा था ना, हवन के दिन कहीं मत जाइएगा। नहीं रानी माँ, वीर अपने बचपन के खोए हुए भाई के साथ थे, उनके उनके छोटे भाई के साथ थे। तो तुम भी इस मजाक में शामिल हो, जानती भी हो क्या कह रही हो? नहीं रानी माँ, ये मजाक नहीं है, ये देखिए, ये लॉकेट देखिए रानी माँ। ये लॉकेट आपके छोटे बेटे प्रेम का ही है ना? उस वक्त उस हादसे में ये लॉकेट उसके गले में था ना? इसके पीछे ये खरोच देखिए रानी माँ, जिसे देखकर वीर ने इसे पहनने के लिए इनकार कर दिया था। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।